press the bell icon for all the updates. Hey guys, welcome to मेहमान नवाजी. चलिए देखते हैं आज हम किसके घर आए हैं. तुम कैसी हो? बहुत बढ़िया. दरवाजा खोल दो तो और अच्छे से बात कर पाएंगे. How are you? I am perfectly fine. आओ आओ आओ. We are twinning today. Actually, मेरे को अभी realize करा, हम दोनों ने actually black पहना है. वैसे जैसे कि तुम मेरे घर आई गई हो और तुम देख सकती हो मेरा घर काफी ब्राइट लग रहा है. Exactly, और कलरफुल भी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं. कुछ ज्यादा ही पेंटिंग करी हुई है यहाँ पे. इस साइड पे आई मीन स्टिकर्स हैं इस साइड पे और इनफैक्ट उस साइड पे, और काफी फ्लावर्स और काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन है. वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, किचन से आ रही है. वो एक्चुअली मुझे पता था कि तुम आने वाली हो, तो मैंने आज पहले ही सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए और स्वागत तुम्हारा मीठे के साथ किया जाए. अरे वाह, क्या बना रहे हो? मैं वैसे सरप्राइज है, वहाँ चल के ही तुम्हें मैं बताऊंगी. चलिए चलिए चलिए. क्या बन रहा है? सूजी का हलवा, सिर्फ आपके लिए. वैसे मीठा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. हाँ, मीठा तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है. मेरी मिडनाइट क्रेविंग आई थिंक मीठे से ही होती है. मुझे कितनी बार, मतलब मेरे घर पे ऐसे मीठा स्टोर रहता है क्योंकि मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे भूख लग सकती है. और ज़्यादातर मेरे साथ तो बड़ा फनी भी होता है कि अगर मुझे भूख लगी होती तो मेरे सपने में भी खाने ही आ रहा होता है. आई कैन सो रिलेट टू दैट थिंग. पर मतलब बीइंग एन एक्ट्रेस, आपको ये डाइट वगैरह कुछ फॉलो नहीं करना पड़ता है? वेल एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट डेफिनेटली डाइट हमें फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज अगर हम कैमरे में अच्छे नहीं दिखेंगे तो हमारे को काम के लाले पड़ जाएंगे, हमारे घर नहीं चल पाएंगे. सो डेफिनेटली काम के लिए फिट रहना तो इट्स वन ऑफ द वेरी मेजर, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. बट हाँ ठीक है, कभी कभी मीठा और कभी कभी चीट डे हो सकता है. तो अदरवाइज आपका डाइट किस तरह का होता है, रूटीन, मतलब हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? हाउ आई स्टार्ट माई डे, वेल एक्चुअली मेरा जो मॉर्निंग होता है, अगर इफ आई एम वर्किंग तो आई मेक श्योर कि मॉर्निंग में आई कैरी दिस कैलॉग्स हो गया, मूसली हो गया. सो आई कैरी ऑल दिस थिंग, क्योंकि सेट पे आपको आराम से दूध मिल जाता है क्योंकि वो लोग चाय कॉफ़ी के लिए यूज़ करते हैं. सो मैं नॉर्मली अपने जो टिफिन होता है उसमें मैं अपने साथ मूसली कैरी कर लेती हूँ, या फिर हेल्दी स्नैक्स जो रहते हैं लाइक काजू बादाम वगैरह ये सब, क्योंकि आई थिंक कुछ ऐसे कचरा खाने से तो बेटर है, कुछ ऑयली खाने से तो बेटर है कि आप स्टार्ट योर डे हेल्दी. हाँ, कुछ हेल्दी खाओ आप. और या एंड आई ऑलवेज कैरी दिस विटामिन सी की टैबलेट्स विद मी, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम लोग दिन में शूट कर रहे होते हैं और आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो जाती है. तो एटलीस्ट उससे क्या होता है, आप पानी भी पी सकते हो और आपको पानी के उसमें फॉर्म में एक विटामिन सी मिला है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड स्किन. या एंड स्किन, एग्जैक्टली. तो मतलब वही राज है आपके इस ग्लोइंग स्किन का? हाँ कह सकते हो वैसे कि वही राज है. ओके अब क्या करना है? वेल अभी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, सो इसका जो लास्ट स्टेप पानी है वो हमें डालना पड़ेगा. तो आप मेरे को इसमें पानी डालना, मैं इसको मिक्स करती हूँ. सो दैट ओके, अब मेरे को बताना कितना. हाँ ये डालते रहो. वेल आई थिंक देखने से तो लग रहा है कि बन गया है फाइनली हमारा. सो मैं आपको अब हाँ गरम गरम सर्व करती हूँ और आप मुझे प्लीज़ टेस्ट करके बताइए कि आपको कैसा लगा. सुनेहा हाँ प्लीज़ टेस्ट एंड टेल मी कि कैसा लगा आपको. बैठ के खाते हैं. हाँ चलो आ जाओ. फाइनली तैयार है सूजी का हलवा. या आई जस्ट लुक सो नाइस. हाँ वो तो आप टेस्ट करके ही बताओगे. आप भी लो ना.
नहीं आप पहले लो और मुझे बताओ कि कैसा है. सीरियसली अच्छा है. नहीं आए जो बाद में भी हमने शक्कर डाली ना परफेक्ट है. हाँ या चलो अच्छा एटलीस्ट बहुत यम्मी है. अरे वैसे बॉम्बे आना है एक्टिंग करना है ये कैसे डिसाइड किया. वेल एक्चुअली मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे टीवी इंडस्ट्री में काम करना है या मुझे एक्टिंग करनी है. मैं एक्चुअली वेकेशन के लिए आई थी अपने यहाँ पे दोस्तों से मिलने और मतलब जब मैं शुरू में आई थी तो मैं एकदम ही रॉ थी बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को एक्टिंग करनी है. तो मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था एक्टिंग कोर्स. तो इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर कि मतलब मेरा जो नंबर था बॉम्बे नंबर तो मैं वो भी एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता था. तो मैं जब टीवी कमर्शियल में जाती थी तो मैं भूल जाती थी मेरा नंबर क्या है. तो आई यूज टू टेल दैट हाई आई एम नलिनी नेगी एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन आई यूज टू गो ब्लैंक क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था मेरा नंबर क्या है क्योंकि नया नया थी एंड आई रिमेम्बर तब छोटे भी थे हम लोग काफ़ी. तो ऐसे ही मेरे को धीरे धीरे कमर्शियल स्टार्ट हुआ एंड सडनली मेरा जो फर्स्ट शो था लौटा त्रिशा तो मैं वहाँ पे एक्चुअली अपने फ्रेंड से मिलने गई थी. ओके तो मैं कभी ऑडिशन देने वहाँ पे नहीं गई थी तो मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी. तो जो वहाँ का कास्टिंग वाला था तो उसने मुझे देखा तो उसने मुझसे उसको लगा कि मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आई हूँ. तो ही जस्ट नॉर्मली वो आया मेरे पास और उसने मुझे बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते आप यहाँ पे हमारा एक ऑडिशन चल रहा है ऑडिशन दे दो. और उस टाइम पे मैं कोई पैरेलल कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था जो मैं भूल भी गई थी मेरे दिमाग में और मैं वापस दिल्ली वैली चली गई थी. फिर 3-4-5 महीने बाद मुझे सडनली सेम प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आता है एंड उन्होंने मुझे बोला कि क्या कहते हैं माय प्रोड्यूसर को आप काफ़ी अच्छे लगे हो एंड वो चाहते हैं कि आपको लीड में ट्राई करने के लिए तो आप इंटरेस्टेड हो. तो मुझे लगा कि ऑफकोर्स मतलब कोई आपको आगे से आके गोल्ड मेडल दे रहा है और आपको बोलो कि आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली मना नहीं करोगे. तो आई सेड येस ऑफकोर्स वाई नॉट एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट शो और वहाँ से फिर मुझे ऑटोमेटिकली एक्टिंग भी अच्छी लगने लग गई. फिर मुझे उसके साथ फेम अच्छा लगने लग गया. फिर आई थिंक हमारी जॉब ऐसी है द इंडस्ट्री दैट वी आर इन कि नो डाउट आपको अगर देते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा पेमेंट है पे सैलरी है क्योंकि उसके काफ़ी अच्छे पर्क्स हैं यू नो बीइंग एन एक्टर. तो मुझे वो सारे पर्क्स भी अच्छे लगने लग गए. वही नामकरण की भी बात करें तो ऑडियंस से बहुत सारा प्यार दिया आपके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा रहा. नामकरण मेरे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था बिकॉज नामकरण की सबसे जो खास बात थी वो ये थी कि जो पूरा का पूरा हमारा कास्ट और क्रू था वो काफ़ी अच्छा था. मतलब बहुत फ्रेंडली था. किसी में कोई एटीट्यूड किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कुछ नेगेटिविटी नहीं थी. आई मीन बड़े से बड़े सीनियर एक्टर्स भी थे बट यू नो कभी उन्होंने वैसा फील नहीं करवाया जूनियर सीनियर का. आज रीमा जी हमारे साथ नहीं है बट In fact, I remember working with Reema ji also. It was very nice, you know. कभी उनको देख के ऐसा लगा नहीं कि जैसे एक होता है ना कि आप आज अगर शायद आप शाहरुख खान से मिलो तो मे भी शायद वो आपको एकदम एटीट्यूड दे दे कि आपको ऐसा लगता है कि ऑरा होता है किसी एक का. हाँ तो उनका ऑरा था रीमा जी का बट उनके साथ साथ मुझे उनका बेस्ट पार्ट ये लगता था दैट शी वॉज वेरी ग्राउंडेड. सो मेरे लिए नामकरण की जो पूरी कास्ट थी इट वॉज वेरी फैमिली फैमिली वाली फीलिंग देते थे. सब साथ में बैठ के उठते थे खाते थे पीते थे एंड यू नो गॉसिप करते थे चाय कॉफ़ी साथ में पीते थे. तो आई वाज आई थिंक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. यानी सेट सेकंड होम ही बन गया था. हाँ सेट एक्चुअली सेकंड होम और बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिनके साथ उठ रहे हो मतलब जिनके साथ आप 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हो अगर वो अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि फिर लोग कनेक्ट होते हैं ज़्यादा अच्छे से. मतलब बॉम्बे आए एक्टिंग में यू नो ट्राई किया और फिर बॉम्बे में घर होना बहुत अच्छी बात होती है बहुत बड़ी बात होती है. यू मेड इट योरसेल्फ. वही घर की बात करें तो घर में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको चाहिए ही जो चाहिए मतलब 5 थिंग्स मेरे घर से रिलेटेड. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मुझे चाहिए होता है कि मेरा जो वॉशरूम है वो हमेशा से अच्छा रहे क्योंकि मुझे छोटे छोटे वॉशरूम अच्छे नहीं लगते. तो मुझे थोड़ा वॉशरूम बड़ा चाहिए होता है मतलब ज़्यादा एकदम बड़ा नहीं बट हाँ मतलब अच्छे से मुझे थोड़ा स्पेशियस चाहिए होता है. और आई थिंक घर के अंदर बहुत ज़रूरी है एसी बिकॉज जहाँ हम जिस सिटी में रहते हैं बॉम्बे जैसे शहर में उसमें मैंने कभी ठंड नहीं देखी. मेरे सिर्फ गर्मी आई थिंक मैंने उसमें सिर्फ हॉट हॉटर एंड हॉटेस्ट देखा है. गर्मी और मानसून होता है. हाँ और मानसून भी मतलब ऐसा होता है कि ह्यूमिड भरा. तो आई थिंक आपको एसी तो होना ही चाहिए घर के अंदर. और मेरा तो घर ये घर अभी है रात में ये पार्टी हॉल बन जाता है. तो मेरे तो घर में एक्चुअली डिस्को लाइट्स भी है एक सेक्शन. अच्छा. वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो ये 3 तो हो गए चौथा क्या होगा. चौथा आई थिंक मेरे घर में मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है
तो अगर फ्रेश फ्लावर्स रखो तो वो बहुत बड़ी झंझट हो जाती है, रोज़ रोज़ आओ उसको रोज़ रोज़ चेंज करो. तो बिकॉज आई एम ए लेज़ी पर्सन, आई मीन इन जनरल, सो मेरे को इसलिए मैं अपने घर में सारे आर्टिफिशियल मैंने फ्लावर्स वगैरह फूल वगैरह काफ़ी रखे हुए हैं. एंड आई थिंक फिफ्थ जो है वो है मेरे वॉल की पेंटिंग्स, आई मीन नॉट पेंटिंग, द वॉल स्टिकर्स. छोटा सा और वैसे सामने टीवी लगा हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे घर में काफी वॉल स्टिकर्स लगे हुए हैं. और अगर आप देख सकते हो तो सामने क्या कहते हैं विंडो है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है येलो लाइट और वाइट लाइट में ना आपको मेकअप कभी कभी समझ नहीं आता, नेचुरल लाइट तो नेचुरल लाइट में आपको पता चलता है. ओके, आपकी इयररिंग्स जैसे कि मैंने आपको अभी हम बात कर रहे थे बहुत ही प्यारी है. हाँ. तो आपका जो वहाँ ज्वेलरी बॉक्स रखा है, कैन वी सी दैट? यस यस, ऑफ कोर्स वी कैन सी दिस. वेल, इसमें ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं है बट हाँ जो थोड़ी बहुत है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सो एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो वन ज्वेलरी है मुझे अभी रिसेंटली मेरे को मेरे एक डिज़ाइनर फ्रेंड ने गिफ्ट किया है. सो आई पर्सनली लाइक दिस बिकॉज मुझे इस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगती है. आई थिंक पार्टी वेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाती है ये. इफ़ यू सी दिस, सो दीज आर वेरी कलरफुल. तो अगर आप इसको मतलब कैसे भी कैरी कर सकते हो, इंडियन में भी कैरी कर सकते हो और आप वेस्टर्न में भी कैरी कर सकते हो इसको. और दीज आर माय नॉर्मल वेस्टर्न इयररिंग्स, ये टोटल वेस्टर्न है. और ये है एक मेरे को रेड, एज रेड इज़ माय फेवरेट कलर. कलर एवरीवेयर. हाँ, कलर काफ़ी कुछ है मेरे इसमें. ओके, ये तो हो गई रूम की बात, आपके एक्सेसरीज की बात. वैसे फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आगे क्या है, व्हाट आर योर प्लान्स? वेल एक्चुअली अभी तो फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है और एक दो प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, वर्कआउट हो रहा है, पर अभी थोड़ा बजट बजट और बाकी सारी चीज़ों को लेके अभी रुका हुआ है. सो काफ़ी उनसे डिस्कशन हो रही है, बाकी जैसे ही कुछ फाइनल होगा सो डेफिनेटली आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो शायद I mean, you know, open jaake, live jaake, I'll come and say that, okay, this is my next project. So yeah, and I want to tell all my fans that I really love them. I mean, all of them. And aaj unke support aur unke pyar ki wajah se hi today we are here. Actually, thank you so much. Yeah, I had so much of fun. Matlab wo suji ka halwa to main abhi parcel lekar ja rahi hu. Aapko itna pasand aaya? Itna mazedar tha. Kyunki aapne itne acche se hamari mehman nawazi ki, itna pyar se, itni pyar se aapki journey puri share ki. I have a small thing for you. Jo mere ek haath se nahi uthaya ja raha. गिफ्ट, ओ माई गॉड, मुझे लगता है लड़कियों को सबसे ज़्यादा गिफ्ट पसंद है और काफ़ी हैवी है ये गिफ्ट. सो थैंक यू सो मच नेहा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस और मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा. यू कैन ओपन इट. आई कैन ओपन इट? यस. बेसिकली इट्स ग्राइंडर एंड ब्लेंडर. Thank you so much, Telly Masala, for this wonderful gift. आपको नहीं पता कि आपने मेरे घर के सामान में एक अच्छी चीज़ ऐड ऑन कर दी है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. बिकॉज बींग एन एक्टर मुझे अपने डाइट का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है. सो आई थिंक अब मुझे पता है कि मेरा जूसर मेरे पास है, मेरे साथ है. थैंक यू सो मच नेहा फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट. थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट. थैंक यू एंड आई होप टू सी यू सून. यस. हेलो गाइस, वेलकम टू मेहमान नवाजी. मेहमान नवाजी का आखिरी एपिसोड यानी फिनाले एपिसोड, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा ट्विस्ट दिया जाए इस एपिसोड को.